प्रिय मित्रों एवं श्रोतागण, मेरी हार्दिक शुभकामना, आप लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें, मेरी स्वस्थ ही प्रार्थना। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्रनाथ पांडे मध्य प्रदेश ग्वालियर से बोल रहा हूँ। जिस स्नेह प्यार के साथ आप लोग मेरे कार्यक्रम को देख रहे हैं, अपना विचार दे रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। दोस्तों, मेरा पूरा प्रयास है कि अपने छोटे छोटे प्रोग्राम के माध्यम से आपको कुंडली, भाव, ग्रहों की युक्ति, लग्न सबका ज्ञान प्राप्त हो। आज मैं आपको तीन ग्रहों की युक्ति बता रहा हूँ, चंद्र शनि मंगल ग्रह की युक्ति। कुंडली के प्रत्येक भाव में आपके भाग्य के साथ कैसा खेलता है, इस सुनिए। जिसके लग्न में चंद्र शनि मंगल ग्रह की युक्ति हो, ऐसे लोग चंचल स्वभाव के होते हैं, अधिक विचार करने वाले होते हैं, स्थिरता नहीं रहता, शंकित विचार के होते हैं। जिसके कुंडली दूसरे भाव में चंद्र शनि मंगल की युक्ति हो, ऐसे लोग दौड़ धूप अधिक करते हैं, परिश्रम का सही लाभ नहीं मिलता है, ऐसे लोग जिद्दी होते हैं, क्रोधी। जिसके कुंडली में तीसरे भाव में चंद्र शनि मंगल की युक्ति हो, ऐसे स्वार्थी होते हैं, अपने मतलब से रखते हैं, किसी के हितैषी नहीं होते हैं और माता पिता के विचारों से इनका मतभेद रहता है। जिसके कुंडली में चौथे भाव में चंद्र शनि मंगल की युक्ति हो, ऐसे लोग नशाबाज होते हैं, चैत्यहीन होते हैं, सेक्सी होते हैं और रोधी भी होते हैं। जिसके कुंडली में पांचवें भाव में चंद्र शनि मंगल की युक्ति हो, ऐसे लोग व्यावसायिक शिक्षा पाते हैं, वैज्ञानिक शिक्षा पाते हैं, ऐसे लोग डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं। जिसके कुंडली में छठवें भाव में चंद्र शनि मंगल की युक्ति हो, ऐसे लोग शत्रु विहीन होते हैं, ऐसे लोग का चरित्र अच्छा रहता है, कभी जेल नहीं जाते, किसी शत्रुओं पर हमेशा विजय प्राप्त करते हैं। जिसके कुंडली में सातवें भाव में चंद्र शनि मंगल की युक्ति हो, ऐसे लोग राजा के समान जीवन यापन करते हैं, ऐसे लोग समाज में पूजे जाते हैं, सरकार में पूजे जाते हैं, स्वयं निर्माणकर्ता होते हैं। जिसके कुंडली में आठवें भाव में चंद्र शनि मंगल की युक्ति हो, ऐसे लोग मानसिक रूप से परेशान रहते हैं, शारीरिक रूप से परेशान रहते हैं, आर्थिक रूप से परेशान रहते हैं और कर्जदार हो जाते हैं। जिसके कुंडली नौवें भाव में चंद्र शनि मंगल की युक्ति हो, ऐसे लोग स्वतंत्र विचार के होते हैं, व्यावसायिक होते हैं, ऐसे लोग कई कार्य के तरफ अपनी भावनाओं को दौड़ाते हैं और कई प्रकार के व्यापार धंधा करते हैं। जिसके कुंडली दसवें भाव में चंद्र शनि मंगल की युक्ति हो, ऐसे लोग राजा बनते हैं, ऐसे लोग नेता बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, ऐसे लोग संसद बनते हैं, विधायक बनते हैं। जिसके कुंडली में ग्यारहवें भाव में चंद्र शनि मंगल की युक्ति हो, या अचानक धन लाभ पाते हैं, ऐसे लोग कोयला के मशीन के व्यापार से अच्छा धन कमाते हैं, ऐसे लोग जमीन संबंधी रियल इस्टेट संबंधी व्यापार से उन्नति करते हैं। जिसके कुंडली में बारहवें भाव में चंद्र शनि मंगल की युक्ति हो, ऐसे लोग के संतान के विचार से मतभेद रहता है, ऐसे लोग जीवन में कभी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पाते हैं, इनके जीवन अधूरे रहते हैं। ये बहुत छोटा सा प्रोग्राम आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया, इसको सुनिए। इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो मेरे प्रत्येक प्रोग्राम में मेरा फ़ोन नंबर है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, संपर्क कर सकते हैं। कोई मित्रगण अपने कुंडली का मुझसे विश्लेषण कराना चाहते हैं तो मेरे फ़ोन पर संपर्क करिए, मेरे नियम का पालन करेंगे तो मैं विवेचन कर दूँगा। मेरा फ़ोन नंबर 9425308111। इतना कहते हुए आपसे मैं विदा ले रहा हूँ, नमस्कार।